पहले तो बीजेपी सरकार सिर्फ मर्दा ते हाथ चकदी सी, कल उन्हें अपनी हदां तोड़तियां कि उहदे आगूआं ने औरतां ते भी हाथ चकने शुरू करते। पुत्र माड़े दे नुआन बनते जाते, जिहड़ा जनानी दे हाथ चुकदा है कि जनानी नूं मारदा है कि वाल पुत्र मर्द कुआन दा हकदार नहीं। बहुत सारे बंदे बीजेपी के उन्होंने ये उत्ते हाथ चक्या और नाले गुत की नाले झंडा जिहड़ा साडा काला झंडा, क्यों ब्लैक झंडे ते कुछ नहीं हुंदा, विरोध कर सकते हैं कानूनी हाकां दा, नूं खो के थले सुटिया। लेडी दे उत्ते हाथ चक्या गया, बीजेपी ने धक्का किया, कारवाई क्यों नहीं की पुलिस ने? जे 24 घंटे पुलिस कारवाई कर देती है उन्होंने उत्ते दोषियों के परचे हो जाते हैं तो अं नहीं पवेंगे कल तो, जे नहीं अं कल तो भी भुक्कड़ हड़ताल से पवेंगे, फिर अं होर भी एक्शन लवेंगे। जो गुंडिया ने कल वो बेटी नाल धक्का करिया ना, ये कोई जायज थोड़ा बालों तो खिंच लेना, बाल तो असं गुरसिख बंदे एवें नहीं हाथ लवाते। देश प्रदेश टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत, मैं अनुजा शर्मा। तो लगातार जिस वक्त असं देख रहे हैं सोशल मीडिया से एक वीडियो वायरल हो रही है जिस विच बीजेपी के अधिकारियों वालों एक औरत उत्ते लगातार हाथ चक्या जा रहा है, धक्का मुक्की की जा रही है, जिस वक्त वो औरत सिर्फ और सिर्फ काले झंडे दिखा रही थी। अज उसी दे रोस विच मटका चौंक ते भुख हड़ताल का ऐलान किया गया है। साढ़े नाल इत्थे लोग मौजूद ने, बाबा लाभ सिंह जी भी मौजूद है, सारे नाल गलबात करांगे कि किस तरीके नाल जिहड़ियां हरकतां चल रही वो की ने। बाबा जी जेकर गल करिए, पहले तो बीजेपी सरकार सिर्फ मर्दा ते हाथ चकदी सी, कल उन्हें अपनी हदां तोड़तियां कि उहदे आगूआं ने औरतां ते भी हाथ चकने शुरू करते। ये पुत्र माड़े दे नुआन बनते जाते, जो माड़े दे नुआन बनन दा फिर माड़ा रिजल्ट होता। बंदे नूं इस करके जांदे ने जनानी दे उत्ते हाथ नहीं चुकना चाहिए, वो मर्द ना गिणो। जिहड़ा जनानी दे हाथ चुकदा है कि जनानी नूं मारदा है कि वाल पुट, वो मर्द कुआन दा हकदार नहीं। जिहड़े दिल दे कमजोर होंदे ने उन्हां नूं शरारती लिखा जांदा है, शरारती तां पहले नंबर से तो मोदी शरारती है। कल नूं इह चंडीगढ़ यकदम सारा ठप हो गया, पर की करनगे, इहनां दा घरों निकलना आराम हो जाणा। माड़ी दा रिजल्ट पुत्र हमेशा माड़ा, ये तुहाडे सामने अक्खां नाल वेख लैणा की रिजल्ट हो। रोज़ मुजाहरा दुनिया करती आई है, करती रहना है, लड़ती भी रहना है। बे अगली गल जी है, बे अगली गल। तुसीं इत्थे भुख हड़ताल का ऐलान किया है, ये कद तक चलती रहेगी भुख हड़ताल? इन्हां नूं पुछो, तुसीं देख सकते हो कि जिहड़े होर लोग भी इत्थे मौजूद ने उन्हां नाल भी गलबात करदे आं। तुसीं कल भी उत्थे सीगे जिथे बीजेपी का यह सारा मुजाहरा चल रहा सीगा, जिथे प्रोटेस्ट चल रहा सीगा, तो उत्थे पहलां तां इह दस दो कि चीज़ होई सी जिहदे कारण राज गिल उत्ते हाथ चक्किया गया? उधर इदा होया जी, कल पहलों जो बंदे सारे इकट्ठे ही ना, इन्हों के कोल लेडीज पुलिस नहीं हैगी, ये करके ना बंद गिरफ्तारी साड़ी सारे की होगी। उदों पता जदों इन्हें लेडी पुलिस आई नहीं इन्हों की, और इन्होंने पुलिस की एक नाकामी रही है भी इन्होंने उन्होंने कंट्रोल भी नहीं किया भीड़ को, उन्हें जिद लाज राज कली ही वो सारे बंदे बीजेपी के उन्होंने ये उत्ते हाथ चक्या और नाले गुत खिंची यदि नाले झंडा जिहड़ा साडा काला झंडा, क्यों ब्लैक झंडे ते कुछ नहीं हुंदा, विरोध कर सकते हैं कानूनी हाकां दा, नूं खो के थले सुटिया। और हो सकता है भी जे बाद च मीडिया ना बोलती, मीडिया धन्नवाद आ तुसीं देखिया होगा, मीडिया ने बोलिया तुसीं लेडीज़ हाथ नहीं चक सकते, फिर उन्होंने अगे हाथ नहीं चक्या लेडीज़ के, नहीं तो हो सकता भी कुछ होर भी कर सकते। अं ये विरोध देखो जो मीडिया जा गया, इंटरनेशनल न्यूज़ चल रही है भी लेडीज़ के उत्ते हाथ चक्या गया, बीजेपी ने धक्का किया, कार्रवाई क्यों नहीं की पुलिस ने?
पुलिस कि चीज़ की वेट करती रही। इस करके अं रात फैसला लिया अं सवेरे भुख हड़ताल से पवेंगे। अं अज 9 to 7 बजे तक भुख हड़ताल से हाँ, सवेर के 9 बजे तो ला के शाम के 7 बजे तक भुख हड़ताल से हाँ। जे 24 घंटे के पुलिस कार्रवाई कर दें उन्होंने उत्ते दोषियों के परचे हो जाते हैं तो अं नहीं पवेंगे कल तो। जे नहीं अं कल तो भुख हड़ताल से पवेंगे फिर अं होर भी एक्शन लवेंगे। तो जिहड़ी पुलिस कर्मचारी ने या किसी प्रशासन वाले ने आके तुहाडे नाल गलबात करन दी कोशिश कीती साडा हुण साडी जे 5 मैंबरी कमेटी बनाई इत्थों जदों SHO साहब ने आख्या तुसीं कमेटी भेजो अपनी SSP नाल गल करना ते उह फिर आपदी दरखास्त भी दे के आए आ और उन्होंने SSP साहब ने उसे वेले DSP नूं मार्क करती आ। हुण 2 बजे का टाइम DSP का ही तो उहदे कोल गए होए आ सैक्टर 26। हुण उत्थों पता लगेगा भी हुण दोषियां ते की कारवाई हुंदी की तरहां लगदियां। जे दोषियों से कार्रवाई हो जाती है सानू अपने आप को ठीक लगता भी ठीक है साड़ी जो कानूनी सानू हक ही साडा मिलिया फिर उस बाद अं उठन के बारे फैसला लवेंगे। तुसी उत्थे सीगे जिस वक्त तुसी उन्हां नू रोक रहे सीगे कि एक औरत उत्ते हाथ चकना लाजमी नहीं हैगा और जो मर्जी किया जा सकता है एक मर्द औरत उत्ते हाथ किदा चक सकता है उन्हां दा की रवैया सी अगों? यही गल अं कहन की कोशिश कर रहे भी एक बन्ने तो अं कहने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फिर अं बेटियां किदा बचावे जदों बेटियां सेफ ही नहीं। देखो जिहड़ा आम बंदा कोई इदां दी गलती करदे तो उहदी नज़रअंदाज की जा सकती है। एक सीनियर लीडर BJP का वह लेडीज़ के उत्ते हाथ चक रहा देखो साडी गुरु साहब ने कहा होया भी लेडी जग जननी आ बाणी कहिंदी आ। इह करके देखो इहनू दर्जा दे दिता लेडीज़ कोई भी हो सकती आ। इह नहीं भी लेडीज़ साडे वल आ जां दूजी पार्टी वल आ। जदों अं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो अं नारा ला रहे हाँ लेडीज़ दा हक दा अं नारा ला रहे हाँ फिर इतने उत्थे ये चीज़ मैटर नहीं रखती भी लेडीज़ है साडी विरोध करना ही है जाने लेडीज़ है एक लेडीज़ आ एक औरत आ। उस टाइम तो उन्होंने ये देखना चाहिए भी एक कल्ली औरत इन्ने बंदियां दे विच ये धक्का नहीं करना चाहिए ही तां सारयां ने मीडिया ने रौला पाया सारयां ने रौला पाया फिर हुण रुके नहीं तो हो सकता कोई भी गलत चीज़ हो सकती। इत्थे तुसीं किते ना किते पुलिस अधिकारियों नूं भी गैर जिम्मेवार समझदे हो क्योंकि जिहड़ी लेडी ऑफिसर्स हुंदियां ने हमेशा जिस वक्त धरने हुंदे ने रोज़ मुशारे हुंदे ने उत्थे सारयां ते घट हुंदियां लेडी ऑफिसर नहीं उत्थे लेडी पुलिस है ही नहीं। सब तो वड्डी उन्हां दी नाकामी इह आ भी इन्हां नूं पता है जदों भी उत्थे किसे ने आउणा विरोध करना लेडीज़ पुलिस उत्थे होणी चाहीदी। जे लेडीज़ पुलिस नहीं हैगी ते प्रबंध करदे अपना इह पुलिस नूं चाहीदा भी जिहड़े ओह BJP दे बंदे गुंडे ही अजे उहनां बंदे नहीं कहिंदे जी गुंडे ही उन्हां गुंडियां दे घेरे पुलिस लाउंदे पुलिस ला के उन्हां नूं कंट्रोल करदे इन्हां नूं। जे इहनूं राज नूं कड़न वास्ते लेडीज़ पुलिस नहीं हैगी उन्हां कोल ते फिर उन्हां ते कंट्रोल कर सकदे ही ना आपदी पुलिस ला के भी उन्हां नूं घट तों घट। इह तां हुंदा ना पुलिस वालिआं दे सामणे देखो पुलिस सामणे खड़ी देखदी रही आ इन्हां कोई कार्रवाई नहीं। इहदा इत्थों पता लगता भी सरकार गुंडियां दे नाल रलण दा चक्कर आ। अं इह चीज़ नूं बर्दाश्त नहीं करांगे जिन्ना चिर उन्हां दे उत्ते कार्रवाई नहीं हुंदी अं भुख हड़ताल ते पवांगे। तुहाडे नाल होर कौन कौन इत्थे भुख हड़ताल ते बहि रहे सी? भुख हड़ताल से देखो जी राती साढ़ा 5 बंदे का प्रोग्राम ही फिर BP जी कहिंदे अं बहना तो अं 5 बंदे एक लेडीज़ आ मैं हाँ गुरजीत सिंह ढिल्लों गुरमीत नाडा जी आ कुलदीप जी आ अंकल जी आ 18 सैक्टर तो हाँ तो बजुर्ग जी बैठे हुए आ इन्हों दे सारे इकट्ठे हो गए 6 लेडीज़ बैठे हुए हैं जी। इत्थे जिस वक्त दस रहे ने कि इन्हां दे नाल एक लेडी भी बैठे हुए ने उन्हां नाल भी गलबात करदे आ कि जेकर राती 5 बंदियां दी गल होई सी उन्हां ने आके खुद वॉलंटियर किया कि मैं भी भुख हड़ताल नूं जॉइन करूँगी इत्थे बैठूँगी। बेबे तुसीं आके इत्थे भुख हड़ताल ते बैठे हो तुसीं कल दा जिहड़ा सारा किस्सा वापरिया वह भी देखिया किस चीज़ ने कहा कि अज मैं भुख हड़ताल ते आके बैठा? की करिए जी परेशान है वैसे देखो हुण थोड़े सामने होया इन्ना पुलिस तां धक्का करदी है बाकी होर भी गुंडे भी करदे ने विच जो गुंडिया ने कल वो बेटी नाल धक्का करिया ना ये कोई जायज थोड़ा बालों तो खिंच लेना बाल तो असं गुरसिख बंदे एवें नहीं हाथ लवाते बालों की इन्ना सत्कार करते हैं असं उन्होंने तो जमा ही जुल्म कर कोई हल नहीं कर धी भैन कली जाती है हूँ तो सारे ड्यूटियां कर दी सौदे पत्ते सर के जाना पैंता हर एक थान कितने कितने राखी करा थोड़े सामने कि कुछ नजायज़ होया। बिल्कुल जिते असं गल करते हैं BJP सरकार कहती आ कि साडे राज दे विच जिहड़ियां औरतां ने कुड़ियां ने सुरक्षित हैगियां आ हूँ ये कल का किस्सा जिहड़ा होया उस तो बाद कह सकते हैं आप कि सुरक्षित आ जी? कह नहीं सकते जी ये तो कहते बेटी बचाओ तो बेटी पढ़ाओ ये सब झूठ है इन्हों इन्हों का कोई सच नहीं है जी इन्ह की सारी गलत है बेटियां तो ये कि बेइज्जतियां करते हैं बेइज्जतियां इज्जत लुटते हैं असं यह कुछ नहीं होने देना जेडे नजायज़ है गुंडे हैं गुंडिया ने हथों पाई करी है बेटी की जोगली का सच नहीं नित्रता परचा दर्ज नहीं होंगे वह पर तारा नहीं लगदियाँ उगल जे नहीं उठते असं इतें बैठा।
ते जिहड़े ये सरकारी मुलाजम हैगे है जिहड़े सरकारी नुमाइंदे इत्थे आंदे ने उन्हां नूं किस तरीके नाल देखदे हो कि किन्ने कु जिहड़े उह लोकां दे नाल खड़न वालियां चों हैगे आ जिहड़े लगातार आके कहिंदे ने कि असीं लोकां वास्ते बणे आ लोकां दे नाल खड़े आ ते किसानी जिहड़े कानून हैगे आ उह वी लोकां दे हितां वास्ते आ। नहीं जी, लोकां दे हितां वास्ते हुंदे फिर असीं सड़कां ते क्यों रोलदे, सड़कां तो क्यों रोलदे? सानूं जिन्ना कु पता लग्गिया, पढ़े लिखे आ, इहो जी कोई गल नहीं, सारे नॉलेज है। जे नॉलेज है तां असीं सड़कां ते आके इन्हां दा अग्गा ले रहे हैं, नहीं तां सानूं जे नॉलेज ना हुंदी तां असीं हुण तां खाली हो जाणे थे। जे जमीन इन्हां रही किसान कित्थे रहेगा, किसान ना रहा तां फिर खाऊंगे की? खेती नाले आ सारा कुछ, खेत में दाणा उगदा तां लिया के चक्कियां च थैलियां च तां ही दुकानां च आउंदा। जे खेत च नहीं होएगा, खेत ही नहीं रहणगे, फिर मकान भी कित्थे रहणे? खे जिहड़े मकान है वह भी तो खेत च है, खेत च उगेगा तां ही किसान रहेगा, ता ही आम जनता रहेगी, ता ही कोई लेबर दिहाड़ी करेगा, ये होएगा। सारा कुछ जमीन नाले या किसान नाले है। बेबे हुण अज जेकर कोई पुलिस वाले नहीं आते, जिहड़े अधिकारी ने आके गलबात नहीं करते, प्रशासन वालों गलबात नहीं की जाती कि उन्होंने सज़ा दवाई जाए, तो की कल भी इसी तरीके नाल बैठे? हाँ जी, देखो जी, जोगल अज असी सवेर तो बैठे हैं शाम 7 बजे तक। जे कोई साड़ी सुनाई होगी तो ठीक है, नहीं होएगी तो फिर कोई होर भी सोचांगे। तो यह ज़्यादा तो जिहड़ा भुख हड़ताल दा चलेगा ही, रोज़ बैठांगे, 12 घंटे भी बैठ सकते हैं, वह तो असी अपना सोचना। तुसी देख सकते हो कि जिहड़े लोग इत्थे मौजूद ने वो जिहड़े इत्थे दी गल करदे ने कि जिहड़ियां सरकारां ने सरकारां दे नाल, जिहड़े सरकारां दी गल करिए ते जिहड़ियां आके कहिंदियां ने कि आपां औरतां दे नाल खड़ियां आ, किन्ना कु औरतां दे नाल खड़ियां आ, ये बहुत वड्डा सवाल हैगा आ। जिथे BJP सरकार कहिंदी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जेकर उन्हां दे अधिकारी ही इस तरीके नाल हथ चुकणगे, इस तरीके नाल जनानियां नाल बर्ताव करनगे, कुड़ियां नाल बर्ताव करनगे, कित्थे असीं कह सकदे आ जिहड़ी कुड़ियां ने जिहड़ियां लेडीज़ ने वो इत्थे सेफ ने, इत्थे वह बिल्कुल सुरक्षित ने? बहुत वड्डा सवाल इस वक्त जिहड़ी सियासी पार्टियां ने जिहड़ी हुकूमत तां चाहुंदियां ने लेकिन लोकां दी सेफ्टी नूं नज़रअंदाज़ कर दिंदियां ने, ये बहुत वड्डा सवाल इस वक्त BJP उत्ते उमड़ के आया आ, बहुत वड्डा क्वेश्चन हैगा आ। हुण जिहड़ी प्रशासन हैगी है की डिसीजन लेंदी है, किस तरीके नाल जिन्हां ने उन्हां उत्ते हाथ चुकिया, गलत तरीके नाल बर्ताव किया, उन्हां नूं की सज़ा मिलती है, ये देखना हजे बाकी हैगा आ। कैमरामैन राजेश दे नाल अनुजा शर्मा, देश प्रदेश TV चंडीगढ़।